हेलो दोस्तों, मैं दिल्ली पर हूँ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा, ये जो देख रहे हैं ये 24 इंच का एलईडी टीवी है। देखिए इसका कंपनी, देखिए ये बेस्टन केविन है, ये लोकल मेड एलईडी टीवी है। इसका मैं मॉडल नंबर भी दिखा रहा हूँ, देखिए इसका मॉडल नंबर भी मैं दिखा रहा हूँ। इसमें 60 cm एलईडी टीवी लिखा है, इसमें और कुछ लिखा नहीं है। तो फिर मैं इसमें सिग्नल देख के आप लोग को दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं हाई ब्राइटनेस का पिक्चर आ रहा है इसमें, ये पूरा वाइट पिक्चर दिखा रहा है। तो इसको मैं कैसे ठीक करता हूँ आप लोग को दिखा रहा हूँ। पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ इसके बारे में, तो बहुत सारे टेक्नीशियन ने मुझे मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहा है, सर मैं हम लोग ए वी ए ए और एच वी ए ए को काट किया हूँ, लेकिन एक साइड पिक्चर बन रहा है तो दूसरा साइड पिक्चर नहीं बन रहा है। तो मैं आप लोग को इसको मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसका जो टिकॉन बोर्ड है, इस कलर बोर्ड, इसमें देखिए नंबर है, देख रहे हैं इसमें ए टिकॉन प्रोसेसर ऐसी है, यही हम लोग का मेमोरी आईसी है, और देख रहे हैं यहाँ पर ये DC to DC आईसी है। ये जो देख रहे हैं डबल कॉइल का है, ये 12 वोल्ट का है, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ये गामा करेक्शन का आईसी है। तो इसका वोल्ट कितना बोल रहा है मैं आप लोग को चेक करके बताता हूँ। इसमें 12 वोल्ट ये LVDS से आ रहा है सप्लाई, उसके बाद जो सप्लाई बोने का हम लोग को यहाँ पर जो है VAA AVDD का सप्लाई है VAA। देखिए इसमें 15.6 वोल्ट दिखा रहा है, देख रहे हैं इसमें AVDD का पॉइंट आप लोग को दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ये VAA। और उसके बाद देखिए हम लोग का बोने का VGH, ये सप्लाई मीटर में देखिए 24 ऐसा ये फ्लुक्टुएट हो रहा है, और इसका VGHF यहाँ पर देख रहे हैं VGHF है ये 33.35 ए फिक्स है। और देखना है हम लोग को यहाँ पर VGL सप्लाई, देख रहे हैं VGL सप्लाई मीटर में देखिए -6.10 वोल्ट। और उसके बाद हम लोग को देखना है HVAA HVDD का पॉइंट है, इसमें देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है HVAA, इसमें हम लोग को कितना बोल रहा है देखिए 15.03 वोल्ट। और हम लोग को देखना है VCOM वोल्ट यहाँ पर है, ये देख रहे हैं मीटर में 6.39 वोल्ट दिखा रहा है। तो हम लोग का इसमें ये जो सप्लाई मेजर करके देखते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है कि देखिए इसमें VAA आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा हूँ, ये जो VAA का पॉइंट है यहाँ पर, इसमें देखिए सप्लाई कितना है मीटर में देखिए 15.60 वोल्ट है। और देखिए इसमें HVAA है ए पॉइंट है, देख रहे हैं इसमें कितना सप्लाई है, तो देखिए इसमें भी 15.02 वोल्ट दिखा रहा है, जहाँ हम लोग का HVAA HVDD में हम लोग का 8 वोल्ट 7.5 वोल्ट ऐसा रहना चाहिए। तो हम लोग का जैसा VAA और HVAA में हम लोग बराबर सप्लाई दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करना है, ये जो देख रहे हैं VAA का पॉइंट है यहाँ और HVAA का जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में शॉर्टिंग चेक करना है। तो देखिए मैं आप लोग को शॉर्टिंग चेक करके दिखा रहा हूँ। इसके लिए मैं टीवी को ऑफ कर दिया हूँ और देख रहे हैं VAA का पॉइंट देख रहे हैं, इसमें एक प्रॉब को रखा हूँ, और राइट साइड में देखिए HVAA का पॉइंट है, इसमें एक प्रॉब को रखा हूँ। और रखने के बाद मैं मीटर में देखिए कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 2.7 ओम्स का, ये दोनों में शॉर्टिंग है, VAA और HVAA में दोनों में शॉर्टिंग है। तो इसको देखना है ये जो VAA का जो टेस्ट पॉइंट है, यहाँ से हम लोग का लेफ्ट जो सोर्स कप है इसमें कहाँ पर आ रहा है। तो मैं इसमें आप लोग को दिखा रहा हूँ टेस्ट करके, ये जो यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है PF का, इसमें देखिए, और ये जो VAA का पॉइंट है इसमें देखिए मीटर में देखिए 1.2 ओम्स बता रहा है। ये जो VAA का जो
ट्रैक है ये इस साइड में, इस कॉप सॉस कॉप में इस साइड में ये जो पीएफ है यहाँ पर आ रहा है, देख रहे हैं ये जो हम लोग को लेफ्ट साइड का जो सॉस कॉप है इसमें, और इस जो एच भी है का जो टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर, देखिए मैं आप लोग को इस साइड में ये जो दूसरा साइड का सॉस कॉप है इसमें कहाँ पर आ रहा है मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोग को, देखिए देख रहे हैं ये मीटर में देख रहे हैं इसको 0.8 ओम्स से बढ़ रहा है, मतलब इसका जो टेस्ट पॉइंट का जो ट्रैक है इधर आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से एक छेद है, छेद से इधर जा रहा है, इसका कनेक्शन में खोल कर देख लिया हूँ, इधर होके इधर इस साइड में आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर जो ट्रैक है इसमें मैं कोई काट नहीं किया हूँ, आप लोग देखिए क्लियर देखिए यहाँ पर किसी ट्रैक को मैं यहाँ पर कोई काट नहीं किया हूँ, देखिए ये जो ट्रैक देख रहे हैं ये क्लियर देख रहे हैं, ये एच बी ए का यहाँ पर ट्रैक है, ये यहाँ से आके इधर घुस रहा है इसमें इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट को मैं कुछ काट नहीं किया हूँ, ये तो क्लियर देख रहे हैं आप लोग। और इस साइड में भी देखिए ये जो लेफ्ट साइड है इसमें भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये जो क्लियर दिखा रहा है ये जो देख रहे हैं ये पी एफ का है यहाँ से ओके ये सॉस्कोप में ये पैनल में घुस रहा है जो वी ए का पॉइंट है, ये देख रहे हैं क्लियर दिखा रहा है इसमें कुछ काट नहीं किया हूँ। तो मैं ये जो वी ए का जो ट्रैक है इसको और उस साइड में जो देख रहे हैं ये एच बी ए का ट्रैक है ये दोनों को काट करके स्टेप बाय स्टेप आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये जो राइट सॉस्कोप में जो ये ट्रैक है इसको मैं पहले इस साइड में आप लोग को काट करके दिखा रहा हूँ, देखिए पहले जो यूट्यूब में मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ इसका जो स्क्लर बोर्ड देख रहे हैं इसका सेम में काट किया था, लेकिन उसमें कोई टेक्नीशियन काट करता है तो उसका पूरा पिक्चर नहीं बनता है, तो इसलिए मैं आप लोग को और मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैं काट करके इसको मीटर में चेक करके देखता हूँ सही से काट हुआ है कि नहीं, देखिए इसमें तो कुछ रीडिंग नहीं दिखाई दे रहा है, ये काट हो गया है, मैं टीवी को ऑन करके देखता हूँ ये तो लाइन आ गया है, इसमें मैं सिग्नल देख रखा हूँ, देखिए देखिए दोस्तों इस साइड में मैं काट किया हूँ और देख रहे हैं ये साइड में मेरा पिक्चर सही बन रहा है, ये एच बी ए का टैप को मैं काट किया हूँ इस साइड में मेरा पिक्चर क्लियर आ गया है, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ उस साइड में मैं काट करके इसको लाइन ऑफ करके मैं दिखा रहा हूँ वी ए का ट्रैक काट करके इसका, देखिए मैं काट कर रहा हूँ इसको देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों मैं पहले एक वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें हाई ब्राइटनेस का पिक्चर आ रहा था, तो उसमें मैं सिर्फ वी ए ए और एच वी ए ए को काट किया था और मेरा पिक्चर सही हो गया था, और आज मैं इस टीवी में दिखा रहा हूँ आप लोग को वी ए ए और एच वी ए को काट करके मेरा पिक्चर बन रहा है कि नहीं, उसके बाद मैं इसको मॉडिफाई करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग स्किप मत कीजिए पूरा वीडियो आप लोग देखिए। तो देखिए दोस्तों मैं लेफ्ट साइड में वी ए ए को काट किया हूँ और पिक्चर आ रहा है कि नहीं देख रहा हूँ, देखिए इसमें फिर पिक्चर नहीं सही हुआ। तो देखिए दोस्तों मैं ये जो राइट साइड में ये जो देख रहे हैं ये एच एफ डी टी का जो लाइन था इसको काट किया हूँ और ऊपर भी कट किया हूँ नीचे भी कट किया हूँ, और इसका पास जो है लाइट ट्रैक है ये ए वी डी टी का है इसको भी मैं कट किया हूँ, काट करने के बाद ये जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये ए वी डी टी का है ट्रैक इसको कट किया हूँ और ये एच ए वी डी टी का ट्रैक है इसको भी कट की दिया हूँ, लेकिन मेरा जो लेफ्ट साइड में पिक्चर नहीं बन रहा है, जब मैं यहाँ पर कट कर दिया तो ये इसका साथ जो शूटिंग था वो हट गया है, लेकिन लेफ्ट साइड में भी पिक्चर नहीं बन रहा है, तो इसको जब मैं ये जो देख रहा इस पॉइंट को मैं ढूंढा
इस टिकोन में, तो मुझे जब देखा इसका ट्रैक कहाँ जा रहा है, तो मैं इसको इसके लिए मैं इसको टिकोन को ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद जब देखा यहाँ से, तो यहाँ से जो ट्रैक है वही ट्रैक इस साइड में जा रहा है। तो इस साइड में कहाँ जा रहा है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए मैं ये राइट साइड में एक प्रॉप को रखा हूँ, और देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड में भी एक प्रॉप को रखा हूँ यहाँ पर। तो देखिए मीटर में देखिए ये शूटिंग बता रहा है। तो इसका जो ट्रैक है यहाँ पर आ रहा है, वही ट्रैक इस साइड से अंदर से होके यही पॉइंट में आ रहा है। तो फिर मैं जब देखा यहाँ और यहाँ पर अगर इसको कनेक्शन कर देते हैं, तो इसके साथ जो FDD है और HDD ये दोनों के साथ शूटिंग बता रहा है। तो फिर मैं यहाँ पर जो ट्रैक है इसको मैं काट करके एक बार देखता हूँ। ये जो VDD का है और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये HDD का है, ये दोनों में शूटिंग ही बता रहा है। ये काट करने के बाद भी, दोनों साइड काट करने के बाद भी शूटिंग बता रहा है। तो अब मैं इसको ओपन किया, इसको स्क्लर को ओपन करने के बाद दूसरा साइड में जो देखा इसका ट्रैक कहाँ जा रहा है, ये जो ये इसका जो देख रहे हैं इसका ट्रैक कहाँ जा रहा है, तब मुझे पता चला इसको ट्रैक इस साइड में यहाँ पर आ रहा है। तो मैं क्या किया, इसको ट्रैक को पहले काट किया। ये जो देख रहे हैं ऐसा देखा रहा है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 11 है, इधर भी ऐसा ही है। देखिएगा यहाँ पर ये देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सेम इस साइड में है। इसका ट्रैक ये साइड में जा रहा है। देखिए ये लास्ट है टिकोन का, ये लास्ट साइड का आप यहाँ पर देखिएगा। तो मैं क्या किया, इसको जो ये जो ट्रैक है इसको मैं काट किया। ये जो क्लियर दिखा रहा हूँ, ये जो यहाँ पर इसको काट किया, इसको काट करने के बाद भी नहीं हुआ, तो क्या किया, इसको पास जो ट्रैक है ये भी AVDD का ट्रैक है, ये दोनों को काट किया। ये दोनों को काट करने के बाद देखिए मेरा पिक्चर कैसा बन रहा है। मैं इसमें लाइन देखिए आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं लाइन पास में, ये लाइट देख रहे हैं इंडिकेटर, ये देखिए स्टैंड बाय रेडी हो गया। देखिए मैं इसे AV सिग्नल भी दे दिया हूँ, और देखिए मेरा पिक्चर कैसा बन रहा है मैं दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं पूरा पिक्चर, देखिए आप लोग क्लियर से आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये पिक्चर मेरा पूरा सही हो गया है। तो जिस टेक्नीशियन को AV हो TV हो हाई ब्राइटनेस का पिक्चर हो रिपेयरिंग के, तो उसको ठीक नहीं हुआ है, तो अभी एक वीडियो देख के ये आप लोग ठीक कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको काट करने के बाद ये पिक्चर पूरा सही हो गया है। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो चैनल DK इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।